पीड़ित कार्यक्रम बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभारी हूँ, आप लोग यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस फिल्म की कहानी एक हॉरर कहानी है, ये सच्चे प्यार की खोज है इसमें, एक आत्माओं की है मिलन। इस कहानी के प्रोड्यूसर हमारे आपके दिलीप कुमार जेडी पटेल जी हैं, डायरेक्टर हमारे उदय मोहिते सर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर जनक ठाकुर साहब है, एंड डीओपी मोहसिन शेख साहब है, और एक्ट्रेस हमारी टीना शर्मा है, और हमारे अंकल लोगों के बहुत बहुत सपोर्ट है हम पे। तो हमारी ये सोच ऐसी होती है कि हम एक ऐसी मैसेज दूँ पब्लिक को जो देखकर कुछ नई कहानी मिले दुनिया, और इस कहानी में आपको एक ऐसा सस्पेंस है, मर्डर है, बदलाव की आग है, जैसे कि फर्स्ट लीड जो हमारी रहती है उनको किसी ने मार दिया तो उनसे वो बदला लेना। आप लोग एक एक करके पर्चे दीजिए, बताइए कैसे जुड़े इस फिल्म से और बताइए क्या कहना चाहेंगे। थोड़ा आप लोग बोलिए ना, थोड़ा आगे आ जाइए आप। ये तो ओके तो होगा, चल बोल बोल बोल। मेरा नाम टीना शर्मा है, मैं इस फिल्म में लीड रोल कर रही हूँ, और ये फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोग देखिए। इस फिल्म में बहुत मेहनत किया है लोगों ने, सब सबकी बहुत अच्छी मेहनत है इसमें। ये फिल्म एक मैसेज है प्यार के लिए, प्यार को पाने के लिए क्या कर सकते हैं इंसान, मर के भी प्यार की चाहत के लिए कितना तड़पता है, वो इस फिल्म में हम दिखाएंगे। शर्मा एज अ पिक्चर एज अ कॉमेडियन, मेरा जो रोल है वो कॉमेडियन का है, पिक्चरों में कॉमेडियन ही करता हूँ। थैंक यू। माय नेम इज़ कोमल सुनील पांडे, मैं इस फिल्म में हूँ, मतलब सेकंड लीड मैं ही करने वाली हूँ, एंड इट्स माय पर्चे। थैंक यू। जोर से बोलेगा, मैं इस फिल्म में अहम भूमिका का किरदार निभाऊंगा। और इसकी फिल्म प्रोडक्शन से बन रही मूवी ये ताकत है इसकी, जिसने मुझे काम करने के लिए चुना। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ उनका, जो मुझे इस मूवी में काम करने का मौका दिया, और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा रेहान जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे मौका दिया कुछ करने का, कुछ दिखाने का। थैंक यू। रोहित कुमार, और इसके फिल्म प्रोडक्शन से ये फिल्म बन रही है, जिसमें मुझे फ्रेंड का रोल मिला है रेहान भाई के साथ, और यही मेरा किरदार है। थैंक यू। ये इसके है ताकत कि इसमें मैं फ्रेंड का कैरेक्टर रोल कर रहा हूँ, और रेहान भाई ने मुझे इसमें काम दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा रेहान भाई को। मैं इसमें कॉमेडियन का किरदार निभाऊंगी। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आर एस के फिल्म प्रोडक्शन का, जो कि हमको मतलब इस मूवी में इस मूवी के लायक समझें, तहे दिल से धन्यवाद। भाषा दुरक्कर है, मैं पिछले 40 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, और कई फिल्में मैंने बनाई है। इस फिल्म में जितने कलाकार आर्टिस्ट डायरेक्टर हैं उन लोगों को मेरे तरफ से शुभकामनाएँ, और अच्छी फिल्म बनाइए। आर एस के फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले जो फिल्म बन रही है, रेहान खान जी इसमें लीड रोल कर रहे हैं, उनके बैनर्स बहुत अच्छे हैं। मैं कामना करता हूँ आने वाले इनके फ्यूचर के लिए कि अपने फ्यूचर में बहुत कामयाब पाए, और इस फिल्म को आगे लेने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले टाइम में आप इसको फिल्म को देखें, बस इतना ही वगैरह। मैं ये इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। रेहान जी ने जब मुझे स्टोरी बताई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक हटके अलग फिल्म करने को मुझे मिल रही है, तो जिस तरह से ये स्टोरी हम दिखाएंगे वो कुछ हटके है, तो आप ज़रूर देखिए इस फिल्म को। हम जनक ठाकुर, मैं ये म्यूज़िक मूवी के लिए म्यूज़िक कर रहा हूँ, और रेहान भाई बहुत ही अच्छे मतलब हम लोग के फ्रेंड हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छा म्यूज़िक बने, कि बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन शेख, इस फिल्म में फोटोग्राफी कर रहा हूँ। तो रेहान भाई ने जब सुनाया स्टोरी मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और स्टोरी ऐसा है कि काम करने भी मजा आएगा, तो प्लीज़ देखिए। मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, आई एम अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर।
हेलो, आई एम अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, मैं इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का काम कर रही हूँ। थैंक यू। आई एम शिखा चौधरी और मैं इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग प्ले कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा इंसान है और मैं ऐसा चाहता हूँ कि कामयाब हो। सर आप कितना सपोर्ट करेंगे? भाई मैं सपोर्ट करूंगा ना, जितना होगा उतना सपोर्ट करूंगा उसको। रियान सर क्या कहेंगे आप? सर आज मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट को मैंने जब तैयार किया था तो मुझे एक धुंधला सा कुछ दिखाई दिया, पर एक रोशनी के शक्ल में हमें जेडी सर नज़र आए, जिन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम घबराओ मत, तुम्हारी जो मेहनत है, तुम्हारी जो लगन है, उसमें मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। और सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। और हमारे सीनियर अनिल शर्मा जी हैं जिन्होंने मुझे हर एक मोड़ पे एडवाइस दिए, बेटा ये करो ये करो, तो इनकी भी बहुत सपोर्ट है मुझ पे, जो इन सबों का मैं और अपनी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे रॉकी राज जी हैं, मिनाज भाई है, और सबसे बड़ी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपने डायरेक्टर का, जो हमें हर वक्त एक ऐसा दिलासा देते रहे कि बेटा घबराना मत, जैसी भी कहानी हो हम अच्छी कहानी बनाएंगे। तो इस स्टोरी के पीछे हम लोगों ने पूरे 6 महीने लगाए और एक ऐसी कहानी निकाला और एक ऐसी स्टोरी बनाई जो पब्लिक को बहुत पसंद आएगी। आई थिंक ऐसी स्टोरी अब तक मार्केट में नहीं आई, जो हर जगह पे सस्पेंस है, मर्डर है और लव मूवमेंट भी है, इसमें बहुत सारी कहानियाँ मिलेगी इनमें। और मैं हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर जी को जनक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे कंपोज कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने बना रहे हैं। और DOP मोहसिन शेख का भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और हमारे बड़े भाई, जब मैं मुंबई आया तो मुझे एक निराशा मिलती रही, बहुत मैंने ऑडिशन दिए, ये दिए वो दिए, पर कहीं पे आश नहीं नज़र आई। पर एहसान भाई, हैदर एहसान खान जो है, वो हमें हमेशा एक बात कहे, बेटा 2 कदम और मंजिल करीब है, बेटा 2 कदम और चल, तो वो आस आज मुझे यहाँ तक लाई है। तो मैं एहसान भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और सबसे बड़ी बात शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे JD सर का। एंड हमारी लीड हीरोइन जो है टीना शर्मा, वो भी हमें फुल सपोर्ट की, उन्होंने भी कहा कि रियान जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक अच्छी काम चाहिए, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, रॉकी राज भी है और चंदन भाई हैं, मुन्ना कुमार यादव जी और जितने भी टीम है, मीनाज अंसारी है, इन सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि फुल सपोर्ट मुझे किए उन्होंने। हाँ ये अच्छा सवाल बोला ना, अच्छा सवाल प्रोड्यूसर मैं हूँ, क्योंकि प्रोड्यूसर इसलिए मैं हूँ कि मेरे पीछे कोई है सपोर्ट के लिए। और उसके बाद राइटर मैं हूँ, क्योंकि राइटर इसलिए हूँ कि एक कॉन्सेप्ट अच्छी मिली और उस पर जब मैंने पेन उठाई तो कहानियाँ चलती चली, तो इसलिए मैंने एक अच्छी कहानी लिखी। और आपने क्या कहा, एक्टर की बात है, तो एक्टर बनने के लिए मैं यहाँ पे आया और वो तो मेरा पेशा था। तो बस सर यही मेरी सफर स्टार्ट हुई और अपने लोगों का साथ मिला तो आज मैं यहाँ हूँ सर। और मैं मीडियाओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कोई भी स्टार अगर उनको मीडिया का सपोर्ट ना मिले तो वो स्टार नहीं है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे आया हूँ और हमारे नाना जी का भी आशीर्वाद लेना चाहूँगा, क्योंकि आशीर्वाद हमेशा देते रहे, तो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इनको ऊपर वाले सफलता दे, जिन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट की और मेरे हर एक इरादे पे खड़ी उतरी और मैंने जैसा कहा वैसे की, मतलब मुझे फुल सपोर्ट दी, तो मैं इन दोनों का सर इन सबों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया और इनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे बड़े भाई एहसान भाई का भी शुक्रिया करता हूँ।